अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल ज़ुबैर शाह। आज की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, वीडियो है दानिश स्कूल हासिलपुर बॉयज़ एडमिशन के सिलसिले में। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कॉल की, मुझसे पूछा कि सर, हमने अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है और उसका हमें सिलेबस का पता नहीं है। जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप उस लिंक में जाके वीडियो देख सकते हैं कि एडमिशन्स कब से स्टार्ट हैं। दोबारा भी मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि 26 दिसंबर लास्ट डेट है पंजाब प्रोविंस में, अदर प्रोविंस में 10 जनवरी लास्ट डेट है, 10 या 7 जनवरी लास्ट डेट है। तो उसमें अदर प्रोविंसेस वाले अपने मुतलका जो सेंटर होंगे, जो उनको बताए जाएंगे, वहाँ पर जाके टेस्ट दे सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो सिलेबस के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की मुझे कॉल्स आ रही हैं अभी तक कि सर, हमें बताएं कि अब हमने अपने बच्चे को 6th क्लास का एडमिशन करवाना है तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने फ़ोन पर भी बताया, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पंजाब दानिश स्कूल है तो यहाँ पे पंजाब का सिलेबस फॉलो किया जाएगा। इट्स मीन दैट कि अगर आपका बच्चा 5 क्लास अच्छे तरीके से पढ़ के आ रहा है 6 क्लास में एडमिशन के लिए, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो 5 क्लास की पंजाब की बुक है, जिसमें मैथ है, उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, साइंस की बुक्स है, वो आप उसको प्रिपेयर करवा दें, उसका टेस्ट आसानी से पास हो जाएगा। इसमें किसी भी किस्म की मसले वाली कोई बात नहीं है। हाँ, पंजाब की 5 क्लास की जो बुक्स हैं वो उसमें से आपने प्रिपेयर करवाने, अदर किसी प्राइवेट सेक्टर की या दूसरी बुक्स इसके लिए वैलिड नहीं है। तो इसमें अब आपको क्या करना होगा, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें आपके बच्चे को उर्दू लिखनी आनी चाहिए, उर्दू पढ़नी आनी चाहिए, इसी तरह इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, उर्दू में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, इसी तरह इंग्लिश में भी सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, और इसको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अलजब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस होंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे को आनी चाहिए। इसी तरह इस्लामियात के जिस तरह हमारे रसूल हैं, पैगम्बर हैं, उनकी हिस्ट्री है, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उर्दू के अंदर भी इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं, आईटी की कुछ इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर के बारे में पता हो कि करंटली हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, इसी तरह स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत पता हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपके बच्चे को पता है तो आपका बच्चा आसानी से 5 क्लास का टेस्ट 6 क्लास के लिए यानी कि पास कर सकता है। तो इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ये सारी चीज़ें आज समझ आ गई होंगी, तो वो अपने बच्चे को अब कैसे सिलेबस के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। याद रखें, 26 दिसंबर को आपके बच्चे का टेस्ट है। जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, दानिश स्कूल के अंदर अप्लाई किसी भी कैंपस में, हासिलपुर, चिश्तियाँ, वियाड़ी, डेरा गाजी खां, फाजिलपुर, अटक कैंपस, ये सारे जितने भी कैंपस हैं, आप अपने बच्चे को जो भी आपको नज़दीक पड़ता है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सेल्फ़ के लिए है, सेल्फ़ का भी मैंने कैटेगरी बताई कि 16,500 पर मंथ बच्चा दे के पे कर सकता है, और डे स्कॉलर है कि बच्चा जो मकामी होंगे, जो नज़दीक सिटी के होंगे, बच्चा पढ़ के घर वापस चला जाएगा, 2,000 पर मंथ फ़ीस पे करेगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स को किसी ने गलत गाइड किया है कि आप अपने बच्चों को दानिश स्कूल में एडमिशन ना करवाएं, ये स्कूल ठीक नहीं है, ये है वो है, एक दो पेरेंट्स ने मुझे इस बारे में भी पूछा। तो देखिए, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जब तक आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ के एक्सपीरियंस नहीं ले लेता, आप किसी की बातों पर यकीन ना करें। और अगर जहाँ तक मेरी बात है, देखिए, मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि आप किसी की बातों पर ना आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस स्कूल का हिस्सा हूँ, इस इदारे में जो भी यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं मुझे पता है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से कह सकता हूँ कि ये इदारा आपके बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे पंजाब दानिश स्कूल इतना करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के इस इदारे को बनाया है, और लाख रुपए का इसका मंथली ख़र्चा है जो कि आपके बच्चे के ऊपर लग रहा है, तो वो ऐसे नहीं लगा रही। इसके रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारे बच्चे हर साल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर सिलेक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर सिलेक्ट हो रहे हैं।
तो ये हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। ये वो लोग दूसरों को गाइड करते हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिनके बच्चे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, या जिनको एजुकेशन की वैल्यू का कोई पता नहीं है। तो इस वजह से आप किसी की बातों में ना आएँ, आप अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाएं। अगर आपका बच्चा यहाँ एडमिशन हो जाता है तो आपका बच्चा खुशनसीब होगा कि यहाँ 7 ईयर एजुकेशन कम्प्लीट करेगा। उसके बाद आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे में क्या तब्दीली आई है। तो ये सारी चीज़ें बाद की बात है, पहले आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, उसको टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड करवाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी, मेरा मैसेज आपको मिल गया होगा, और बच्चे का टेस्ट कैसे पास करवाना है ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है, यानी कि मेरी वीडियो को शेयर भी कर लें। इसी तरह दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।